हे गाइस, गुड आफ्टरनून। लॉरेल पेरिस टोटल रिपेयर 5 स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग हेयर सीरम का रिव्यू मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ और डेमो वीडियो भी होगा। डेमो वीडियो जो है मैंने वेट एंड ड्राई दोनों तरीके से यूज किया इस हेयर सीरम को और आप यूज कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से जो है मैंने वीडियो भी शूट किया है, तो डेमो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो है ये वेट हेयर में कैसा लगता है अगर आप इसे अप्लाई करते हो और ड्राई हेयर में कैसा लगता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको हेयर सीरम कैसे यूज करना चाहिए। और अदरवाइज मैंने शॉर्ट में आपको तो बता ही रखा है कि हेयर सीरम को यूज करने का सही तरीका क्या है, तो वो शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ये जो हेयर सीरम है ये है लॉरेल पेरिस टोटल रिपेयर 5। तो इसके पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। तो ये जो है स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं वो जो है 70% ऐसे हैं जो कि आपके बालों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिपेयर करता है। इसमें सेरामाइड प्लस यूवी फिल्टर है और ये अनमैनेजेबल डैमेज हेयर के लिए हेयर सीरम जो है अच्छा है। और यूज करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, डेमो वीडियो तो है ही, उसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी है उसमें आप देख सकते हो। तो इसकी जो है ये 80 ml क्वांटिटी आपको मिलती है 230 रूपये में और वो भी 3 साल की शेल्फ लाइफ के साथ। डिस्काउंट में ये आपको मिल जाएगा नायका पर, पर्पल पर या फिर अमेजोन, ऐसे सब पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और आपको पता है ये जो है आपको आसपास के आपके जो शॉप्स हैं उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफी मुझे प्राइस वाइज तो सही लगा, क्वांटिटी वगैरह सब परफेक्ट लगा क्योंकि ब्रांड है लॉरेल, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सही लगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू फॉर्मूला विद सेरामाइड प्लस यूवी फिल्टर। सेरामाइड जो है वो आपके बालों में मॉइस्चराइजर को लॉक करके रखता है, आपके बालों की जो ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट करता है और उसके अलावा आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है ये। प्लस ये जो यूवी फिल्टर है, यूवी जो है हम सन से निकलने वाली जो रेज होती है उनको यूवी रेज कहते हैं, तो उन यूवी रेज से जो हमारे बाल डैमेज होते हैं ना, उन डैमेज से ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे बालों पर ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है और उन होने वाले डैमेज से जो है हमारे बाल प्रोटेक्ट रहते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो डेली एग्रेशन फ्रॉम सन, वाटर एंड पोल्यूशन मेक योर हेयर ड्राई, रफ एंड अनमैनेजेबल। द हेयर टेंगल्स एंड ब्रेक्स। लॉरेल एडवांस रिसर्च हैज क्रिएटेड द न्यू टोटल रिपेयर 5 स्मूदिंग एंड रिपेयरिंग सीरम। तो ये जो है कह रहा है कि जो डेली आपके बाल सन या वाटर या पोल्यूशन की वजह से जो है काफी डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, ठीक है, और आपके बालों में टैंगल्स या फिर आपके बाल जो है टूटते हैं, तो इन सभी के लिए जो है ये हेयर सीरम काफी अच्छा है। ये आपके इन सभी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप ये देखिए कि प्रूवन रिजल्ट। तो ये जो है आपको बेनिफिट्स इस हेयर सीरम के यूज करने से मिलते हैं। तो ये आपके बालों को स्ट्रांग करता है, स्मूथ करता है, लेस फ्रीजी करता है, डिटेंगल करता है और 5 गुना जो आपके लेस करता है स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम को। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बालों को स्ट्रांग कैसे करता है। तो ये जो है आपके बालों में जितने भी टैंगल्स होते हैं, लाइक आप हेयर वॉश करते हो तो आपके बालों में बहुत ज्यादा टैंगल्स होते हैं, ठीक है, तो उन टैंगल्स को जो है ये रिमूव करता है और आराम से आपके बाल जो है कॉम हो जाते हैं। या फिर अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई फ्रीजी है तो भी आपको पता है कि टैंगल्स की वजह से आपके बालों में कंघी फंसती है और फंसने की वजह से बाल खिंचते हैं और बाल टूटते हैं, ठीक है, और हेयरफॉल भी होता है। तो अगर आप हेयर सीरम अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ही इजी जो है आप बाल कॉम करते हो और आपके बालों का जो है टूटना कम हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना, खींचते नहीं है, टैंगल्स फ्री रहते हैं आपके बाल, तो कम टूटते हैं, कम आपके बाल गिरते हैं, इसलिए जो है आपके बालों को इसलिए एक स्ट्रांग करता है, आपके बालों को स्मूथ तो टेक्स्चर करता ही आपके बालों का, और ये जो है आपके बालों की फ्रीजनेस को कम करता है और आपके बालों को जैसे मैंने बताया डिटेंगल करता है और 5 गुना लेस स्प्लिट्स एंड्स। स्प्लिट्स एंड जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो जो है हमारे हेयर के एंड पर आपको देखने को मिलेगी, लाइक इस तरीके से एंड पर जो है आपके बालों, एक ही बाल से जो है 2-3 जो है बाल निकल रहे होंगे, तो उसको जो है स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हेयर सीरम अप्लाई करते हो ना, तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉटल पे भी जो आपको डिटेल मिलेगी गाइज, यही डिटेल्स आपको उन्होंने मेंशन कर रखी है, जो कि मैंने आपको आउटर बॉक्स से डिटेल बताई है, वही सेम डिटेल आपको बॉटल के ऊपर मिलेगी। और इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए, इसकी पैकेजिंग काफी टिक टैक वाली है, अच्छी पैकेजिंग है, तो आप जो है इसको ट्रेवल के दौरान ऑफकोर्स ले जा सकते हो, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखला दूं, तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्स्चर है और नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका। स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब मीडियम है, बट मुझे इसकी पर्सनली स्मेल अच्छी नहीं लगी। हो सकता है आपको अच्छी लगे, बट मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी स्मेल, ठीक है। और इसका ये टेक्सचर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और काफी स्मूथ है,
बिल्कुल भी जरा सा भी चिपचिपा नहीं है। अगर आप इसे बालों में लगाते हो तो ये आपके बालों को रेली में काफी स्मूथ कर देगा और डिटेंगल कर देगा आपके बालों को, और आपके बालों में ये एक शाइन प्रोवाइड करेगा बिल्कुल बेशक, क्योंकि आप देख रहे हो इसके नॉर्मल इस टेक्सचर में ही आपको जो है इसके कितनी ज्यादा शाइनी जो है ये लग रहा होगा। तो ये आपके बालों को काफी शाइनी कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, और आपके बालों को ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट, जैसे कहा मैंने इसमें सारी डिटेल्स जो इन्होंने मेंशन किए, जो भी इन्होंने ये प्रूवन रिजल्ट बोले हैं ना, ये सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो टेक्सचर भी काफी सही है, बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा थिन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जिसे करते हैं ना कंसिस्टेंसी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है इसको साबित करने की, कि ये जो प्रूवन रिजल्ट है इसके, इन सभी रिजल्ट को देखने की। तो डेमो वीडियो में ही हमें पता चलेगा कि ये जो प्रूवन रिजल्ट है आपको रियली में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो चलिए डेमो वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो डेमो वीडियो देखने को मिल रही होंगी, जो कि एक है ड्राई हेयर में मैंने इस हेयर सीरम को यूज किया और एक है वेट हेयर में मैंने इस हेयर सीरम को यूज किया। तो दोनों ही डेमो वीडियो आपको बता देंगी कि इस हेयर सीरम को अगर आप यूज करते हो तो इंस्टेंट आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो जहां ड्राई बालों की बात करें तो बालों को इंस्टेंट जो है ये शाइनी कर देता है, बाल काफी स्मूथ लगते हैं और काफी जो है थिक से बाल लगते हैं आप देख रहे होंगे, और टैंगल्स भी बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं, जहां की वेट हेयर में भी आप देख रहे होंगे बहुत आराम से टैंगल्स रिमूव हो रहे हैं। मेरी स्माइल बता रही कि मुझे जो है बालों को सुलझाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, और डिफरेंस भी आप देख सकते हो ड्राई बालों में कि ये जो है कितना ज्यादा शाइनी बालों को कर देता है। तो बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की तो मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं आपको कहूंगी आप इसे बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आपको कौन से जो है रिजल्ट ज्यादा अच्छे लगे, ड्राई बालों में आपको रिजल्ट अच्छे लगे इस हेयर सीरम के ज्यादा, या फिर वेट हेयर में आपको ज्यादा अच्छे लगे इस हेयर सीरम के रिजल्ट, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। Don't forget to subscribe.